गुड इवनिंग एवरीवन हेलो प्रिया हेलो प्रणय जैनाब सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं चाओ टेस्ट के बारे में सो आई वॉज रीडिंग द कॉमेंट्स एम आई ऑडिबल विजिबल सबको मेरी आवाज आ रही है सब सुन पा रहे हैं मुझे इज एवरीथिंग फाइन हेलो अलीशा फलक एवरी वन ऑडियो वीडियो ऑल फाइन आई एम स्टिल लुकिंग एट द कमेंट्स अगर किसी का कुछ कॉमेंट आ रहा है तो सुपर एक्साइटेड ओके ग्रेट 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 हेलो बेनीवाल पीगू नैंसी नीलम विकास एवरी वन चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की जहां पे हम बात करने वाले हैं चाओ टेस्ट के बारे में देखिए चाओ टेस्ट के बारे में Uh, uh, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं रिसेंटली राइट सो शायद अगर आप देखें 2020 से पहले चाउ टेस्ट के ऊपर शायद ही एक का दुक्का मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन आया था लेकिन इसके ऊपर एक आजकल जो आपने देखा होगा डमी वेरिएबल के साथ भी एक क्वेश्चन आया हुआ है बाईस uh, में दो में पीस मिल के साथ और बाइनरी you know, uh, uh, के हिसाब से भी आया हुआ है सो so, इस सेशन में, में मेरा पर्टिकुलर फोकस जो है वो है चाओ टेस्ट में चाओ टेस्ट करते कैसे हैं देखिए जैसे उन्होंने पूछा आई का स्टेप्स राइट आई एल एस इंडायरेक्ट ली स्क्टर मेथड का स्टेप्स क्या है इससे पहले उन्होंने पूछा था टाइम सीरीज एनालिसिस कर जब हम करते हैं तो उसमें हम टेस्ट कैसे करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स की उसमें हम क्या पहले करते हैं डेटा इंपोर्ट करना फिर उसके बाद uh, 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 उसके चेक करने के लिए स्टेशनरी रूट ऑगोमेंटेड डिकी फ्यूलर डिकी फ्यूलर फिलिप फेरॉन ये सब करने के बाद फिर आप को चेक करते हैं ये सब चेक करने के बाद तो मुझे कहीं अंदाजा लग रहा है कि शायद इस बार कहीं ऐसा न हो कि वो आपसे चाओ टेस्ट का स्टेप पूछ ले राइट right. वैसे चाउ टेस्ट चाओ टेस्ट का स्टेप बहुत सिंपल है और इसको आज हम बहुत छोटे से, से सेशन में कर लेंगे इसको ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है और बिफोर आई स्टार्ट विद दिस जिनके भी दिमाग में आ रहा है कि सर ये हमने नहीं पढ़ा है डोंट वरी मैं बिल्कुल बेसिक से से स्टार्टिंग करें से और खत्म करेंगे एग्जाम्पल में बस जो मुझे चाहिए वो है आपका साथ अगर आप साथ में हैं तो फिर मैं ये टॉपिक आपको समझा दूंगा राइट इज अ डील इज दट अ डील मैं सबका वेट कर रहा हूँ कि हाँ वही डील है कि नहीं है बट वॉट आई वॉन्ट इज कि ये ऐसा मत कर देना कि सर हमें समझ नहीं आया बीच में उठ के नहीं जाने का एक से दो बार हो सकता है कि वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ओके मैं कमेंट्स जो जनरल कमेंट्स है मैं बाद में लेता हूं ओके 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 प्रणीत का राइट अगर उसके बाद अगर, uh, uh, time मिलता है, है, है है तो I will take your comment. Right? चलेगा? पनीरिका, अच्छा नाम है, पहली बार सुना है मैंने ये. चलिए, okay, सबसे मेरे पास आ गया okay. so, कहानी की शुरुआत कैसे होगी इस वीडियो में चाओ टेस्ट क्या है क्या जरूरत पड़ती है स्टेप्स क्या है Assumptions क्या है कैसे करेंगे उसका दूसरा वो है बाई पेरॉन टेस्ट बाई पेरॉन टेस्ट किस लिए लगता है उसके बाद मैं यहाँ पे डमी वेरिएबल का इंट्रोडक्शन दे दूंगा इसके बाद डमी वेरिएबल हम लोग एक पूरे अच्छे बड़े सेशन में करेंगे राइट सो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं ओके okay. सो so, जैसे कि हमेशा बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि मेरे नोट्स कैसे मिलेंगे आपको ये वीडियो जो है जैसे अभी इस वीडियो में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपको मैं देख रहा हूँ ये वाली वीडियो इस वीडियो के नीचे सार्थक बैच का ये लिंक होगा इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे कहा होंगे यहां पे यहां पे जाके आपके पास जैसे ये आपका डैशबोर्ड है राइट फिर यहां पे एनरोल नाउ एक्सप्लोर करके आपको मेरी वीडियो ये वाली मिल जाएगी पीडब्ल्यू के ऐप पे या पीडब्ल्यू के वेबसाइट में वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं राइट ओके ये बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड पे पब्लिक डिमांड सो ये है कल सो कल क्या है उनतीस तारीख राइट ट्वेंटी नवंबर शाम के आठ बजे टाइम देखिए मैं तो देख के डर रह गया 170 सेवेंटी मिनट तकरीबन ढाई मिनट की क्लास ढाई घंटे की क्लास नॉट ढाई मिनट की क्लास ढाई घंटे की क्लास करने वाले हैं हम लोग कल वो भी कि पूरा मैराथन सेशन होगा ऑल यूनिट्स सो कोशिश मेरी ये रहेगी कोशिश मेरी रहेगी कि इन्वायमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछूं या जैसे यू नो क्रोनोलॉजी के ऊपर एक्स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जैसे सिडबी सेबी नबार्ड आई सी आई सी आई आई डी एफ सी आई डी बी आई ये आई डी एफ सी आई ये सब कब हुए थे तो इनके एक्स्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन ऑथर्स एंड बुक्स के ऊपर क्वेश्चन इन्वामेंटल इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन इकनोमेट्रिक्स पे क्वेश्चंस। तो मेरा कल का जो रह रहेगा रहे ये थोड़ा सा टफ रहेगा अगर आपने ये कर डाला तो लाइफ आपकी जैरव लाला राइट तो ये मेरा सोच है कि कल का पेपर जो है मैं आपको वर्ष के लिए तैयारी करवाऊंगा मैं दोबारा बता रहा हूं मैं कल के पेपर में जो एक मैराथन लेने वाला हूं शाम के आठ बजे ढाई घंटे चलने वाला है तो इस सेशन में थोड़े से टफ क्वेश्चन लेने वाला हूं देखना चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है ताकि ऐसा ना हो कि आप पेपर में जाके बारह तारीख को जो पेपर होगा उसमें जाके कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए यहां पर डाउन हो जाए कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं और इन सबके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा राइट right, चलेगा सो so, मुझे थोड़ा हरकम दिखाइए चैट बॉक्स में कुछ कोई लिख ही नहीं रहा कोई चैट बॉक्स में नहीं लिख रहा नहीं सर नहीं पसंद नहीं आया अगर नहीं आया तो बता देना मैं ये हटा नहीं नहीं दूंगा ढाई घंटे की क्लास मैं नहीं लूंगा बता देना ओके प्रिया डन सर ढाई घंटे का साइक्लॉन ओके सूरज ने बोला <coughs> चलिए बहुत ही बढ़िया कल मिलेंगे कल थोड़ा सा टफ होगा मैं पहले आपको बता देता हूं थोड़ा सा टफ होगा हो सकता है कि हर एक ओवर में मैं एक बाउंसर दूं आपको जो आपको ऊपर से छोड़ना पड़ेगा या उसका लॉजिक समझ लेना पड़ेगा बहुत सारे असेंडिंग डिसेंडिंग इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे मैंने थोड़े से पेपर बना लिया है क्वेश्चन बना लिए हैं इसलिए आपको बता रहा हूं एनी anyway. तो इससे ज्यादा आगे नहीं बोलूंगा लास्ट टाइम हमने ये किया था एंड सम हाउ मेरे नेटवर्क की वजह से ना मैंने जब लास्ट में देखा किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट करके ही पूछा कि सर ये क्या वीडियो कंप्लीट है तो मुझे जो लगता है मैंने तो लिख तो दिया था कंप्लीट है लेकिन मुझे पार्ट टू जो किया था मैंने यूजीसी नेट दो जून दो का जो पेपर था पार्ट टू उसमें थोड़ा सा चार पांच क्वेश्चन रह गए थे तो डोंट वरी अगर वो नहीं दिखा मैं जब पार्ट थ्री करूंगा यूजीसी नेट यूजीसी जी सी नेट जून 2023 का जब मैं पार्ट थ्री करूंगा तो आई विल इंक्लूड दो ना ऐसे कमेंट्स लिखते हैं तो इसकी वजह से मुझे भी समझ में आता है कि कहां पे मिस्टेक हुई है या कहां पे क्या हिकअप हुआ है कि या नेटवर्क की वजह से कहां प्रॉब्लम हुई है आप लोग नहीं बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा एनीवे वे anyway, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की ये है बैकग्राउंड राइट right? आपको दिख रहा होगा टाइटल का नाम द बैकग्राउंड और ये बैकग्राउंड में मैंने क्या किया है ये आपको दिख रहा होगा ये मॉडल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं इक्नोमैट्रिक मॉडल्स राइट अब ये मॉडल का मतलब क्या होता है मॉडल का मतलब है इक्वेशन इक्वेशन का मतलब जो आपका जो जो रिसर्च है या जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसमें एक डेफिनेटली डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कुछ आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे सो द एलजेब्रिक फंक्शन और द मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ दैट रिसर्च और द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दैट रिसर्च इज कॉल्ड एज मॉडल राइट जैसे मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूं कि जो सेविंग्स है राइट right? इंडिया की जो ग्रॉस सेविंग्स हैं वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है अब क्या क्या हो सकता है इंडिया का ग्रॉस सेविंग किस पे डिपेंड कर सकता है भाई सबसे पहली बात तो है इनकम पे जीडीपी पे उसके बाद आ सकता है कि भाई लिटरेसी रेट कितनी है उसके बाद हो सकता है कि सेविंग हैबिट्स कितनी है या फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है या बैंक्स की अवेलेबिलिटी कितनी है इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है लोग कितने जागरूक हैं राइट ये सारी चीजें हैं तो इन सब को मैंने एक एक वेरिएबल मान लिया इसके ऊपर डिपेंड क्या करता है ग्रॉस सेविंग्स सो आप इसको ऐसे ले सकते हैं देखिए मैथमेटिकल टर्म्स में आप इसको ऐसे ले सकते हैं ग्रॉस सेविंग्स इज अ फंक्शन ऑफ अब जो जो मैंने बताया फंक्शन वो सारे लिख दीजिए यहां पे जी डी पी राइट फाइनेंशियल लिटरेसी राइट अवेयरनेस कंजम्पशन पैटर्न कंजम्पशन पैटर्न राइट या फिर आप मान लीजिए इसमें आप लिख सकते हैं कि और क्या हो सकता है इनकम लेवल इनकम मैंने जीडीपी के हिसाब से ले लिया है राइट right? सो so, मैं और टेस्ट एंड हैबिट या मीडियन एज मीडियन एज या मीन एज राइट मीन एज भाई ऐसा है कि देखिए अगर सारे के सारे जो जनता है वो अगर पच्चीस से लेकर पैंतीस साल के बीच में अगर जनता है जैसे इंडिया में है यूथ डिविडेंड या डेमोग्राफिक डिविडेंड तो उसमें क्या होगा ज्यादा लोग जो है वो ज्यादा कमा रहे हैं ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा सेव कर रहे हैं तो सेविंग इन सब पे डिपेंड करेगा तो ये मेरा एक मॉडल हो गया ये बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप हो गया इसको जब मैंने ऐसे प्रेजेंट किया तो ये वाई क्या है यहां पे? वाई इज द वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल तो ग्रॉस सेविंग्स ये है बीटा बीटा का मतलब क्या है बीटा इज अ कोफिशियंट स्लोप किसका स्लोप x का x क्या है यहां पे मैंने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रखा है तो मान लीजिए इन सब की जगह पे मैं बोलता हूं कि मेरा ग्रॉस सेविंग सिर्फ जो है वो जीडीपी पे डिपेंड करता है बाकी पे भी होगा राइट right? याद है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका डिमांड फंक्शन होता है कि प्राइस क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ ऑफ डिमांड अ कमोडिटी इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइट इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर इनकम पॉपुलेशन राइट right, और भी सारी चीजें तो हम उनको हटा देते हैं हम बोलते हैं कि नहीं प्राइस क्वान्टिटी इज नेगेटिव रिलेशनशिप विद द प्राइस तो वही मैंने यहां पर किया और ये मेरा जो है ये मेरा रैंडमनेस है रैंडमनेस का मतलब क्या है स्ट्रोचैस्टिक मतलब डिस्टर्बेंस मतलब वाइट नॉइज़ मतलब रैंडमनेस इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि सेविंग जो है ये एरर की वजह से भी चेंज हो सकता है मान लीजिए कि ऑल ऑफ ए सडन पे आ गया या फिर मान लीजिए जितने भी आपके वॉलेट्स आ गए वो आ गए या इसके मान लीजिए कि uh, कुछ और uh, ऐसे फाइनेंशियल रिवोल्यूशन हो गए टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गए जिसकी वजह से सेविंग्स और ज़्यादा हो रही है तो ये वो है वो सारे वेरिएबल्स हैं जो कि मैं काउंट नहीं कर पाया तो इसको बोलते तो हैं हम लोग एरर बट ये हकीकत में एरर नहीं है दिस इज नॉट अ मिस्टेक कि किसी गलती होगी नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास हो सकता है रिसोर्सेज नहीं है हो सकता है डेटा कॉन्स्टेंट है हो सकता है कि मेरे पास वो सोच ही नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक एरर डाल दिया कि भाई ये वो सब वेरिएबल्स है जिनको मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ राइट तो ये जो टी लिखा है ना नीचे वाई टी नीचे ये टी का मतलब है टाइम सीरीज डेटा है ये और अगर यहीं पर वाई आई होगा तो इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल डेटा है टाइम सीरीज का मतलब कुछ नहीं है सिंपल ईयर लिखो एक तरफ और एक तरफ वेरिएबल्स लिख दो एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूं तो लेट सपोज यहां पे मैंने लिखा ईयर और यहां पे लिखा मैंने ग्रॉस सेविंग्स राइट right? तो यहां पे मैंने ईयर लिख दिया मान लीजिए उन्नीस सौ पचहत्तर उन्नीस कुछ लोग बोलेंगे सर आपको अठत्तर सेवनटी के आगे हिंदी नहीं आती अठहत्तर उनासी राइट सो so, मैं हिंदी सीख रहा हूँ दोस्तों जो मुझे बोलता है कि सर आपको हिंदी नहीं आती आप हिंदी में बात करिए देखिए मैं पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्सी अस्सी ये सब बोलने वाला हूँ एनी छोड़िए तो ये हो गया मेरा सौ ये हो गया डेढ़ सौ ये हो गया एक सौ बीस ये हो गया एक सौ तीस और ये हो गया एक सौ चालीस ये मैंने सिर्फ नंबर्स ऐसे अपने मन से भर दिए हैं राइट तो ये है टाइम सीरीज डेटा राइट क्रॉस सेक्शनल डेटा का मतलब क्या है डिफरेंट यूनिट्स ऑन वन सिंगल टाइम पीरियड टाइम पीरियड एक रहेगा जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड आपके अलग अलग है और वेरिएबल क्या है एक तो ये हो गया टाइम सीरीज डेटा और अगर क्रॉस सेक्शनल है तो वहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे जैसे ग्रॉस सेविंग हो गया जीडीपी हो गया या फिर मान लीजिए आपके पास और भी वेरिएबल्स जो आप कंसिडर कर रहे हैं वो सब लेकिन एक टाइम पीरियड पे होगा उन्नीस मान लीजिए एक सा टाइम पीरियड तो ये है आपका बेसिकली द मॉडल्स राइट अब यहां से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे मैं अभी भी बैकग्राउंड दे रहा हूं इसका अभी भी ये बैकग्राउंड के स्लाइड पे हूं अभी भी मैंने कुछ भी चाउ टेस्ट या उसके बारे में बात नहीं किया बिकॉज यहीं से निकल के आएगा <coughs> अब ये है हमारे वाई वेरिएबल्स ये है हमारे एक्स वेरिएबल्स तो ये सब नाम है जैसे कृष्ण के एक नाम है वैसे वाई वेरिएबल्स को हम ये सारे नाम से कहते हैं डिपेंडेंट राइट डिपेंडेंट एक्सप्लेन प्रिडिक्ट रिग्रेसेंट रिस्पॉन्स एंडोजीनियस कंट्रोल हालांकि एंडोजीनियस एक्सोजीनियस बोलूंगा थोड़ा गलत होगा लेकिन प्रिलिम स्टेप में आप इसको मान के चलिए कि सही है राइट right? थोड़ा सा गलत है लेकिन ये पूरा गलत नहीं है तो डिपेंडेंट एक्सप्लेन प्रिडिक्टेंड रिग्रेसेंट रिस्पॉन्स एंडोजीनियस कंट्रोल और ये है हमारे एक्स वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट एक्सप्लेन का एक्सप्लेनेट्री अब देखिए एक चीज़ बता देता हूं एक्सप्लेन मतलब जो वेरिएबल एक्सप्लेन किया जा रहा है एक्सप्लेनेटरी मतलब जो दूसरे को एक्सप्लेन करवा रहा है सो so, एक्सप्लेनेटरी मतलब इनडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्स को वो वाई को एक्सप्लेन कर रहा है प्रिडिक्टर राइट right? जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वो जो दूसरे को नौकरी दे रहा है या दूसरे की नौक, दूसरी को दूसरे को नौकरी पर रख रहा है तो प्रिडिक्टर वो जो दूसरे को प्रिडिक्ट करवा रहा है और प्रिडिक्टेंट वो जो खुद प्रिडिक्ट हो रहा है तो एक्स की वैल्यू पे ही हम वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाएंगे फोरकास्ट कर पाएंगे उसी तरीके से ये रिग्रेसर है ये स्टिमुलस है ये है ये कंट्रोल है ये है राइट ये तो सभी को पता होगा नॉर्मल ज्यादा कुछ खास है नहीं आगे चलते हैं अब आते हैं फंक्शंस <coughs> पे रिग्रेशन फंक्शन ये थोड़ा सा बता दूंगा उसके बाद मैं आगे जाऊंगा जिन जो स्टूडेंट पहली बार इकोनोमेटिक्स पढ़ रहे हैं याद रखना कि ये बेसिक है ये लीनियर लीनियर रिग्रेशन टू वेरिएबल में भी यही पार्ट आप पढ़ेंगे अब देखिए पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो है ये पूरे पॉपुलेशन का है आप सभी को पता है कि पॉपुलेशन पढ़ना मुश्किल होता है टाइम ज्यादा लगता है कॉस्ट ज्यादा लगता है रिसोर्स ज्यादा लगता है और हमारे पास इतना टाइम है नहीं तो कॉस्ट कांस्टेंट होगा रिसर्च रिसोर्स कांस्टेंट होगा इसीलिए हम क्या करते हैं हम सैंपल को पढ़ते हैं नीचे वाला जो है ये सैंपल रिग्रेशन फंक्शन राइट सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है ये अब यहां पे इन दोनों के बीच में फर्क क्या है आप देखिए यहां एक टोपी बना रखी मैंने राइट दिस इज कॉल्ड एज वाई है यहां है। अब यहां पे अगर मैं लाइन लिखू सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी राइट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहां पे y का मतलब क्या हुआ आप बोलेंगे सर y का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल x का मतलब है इनडिपेंडेंट वेरिएबल m का मतलब है स्लोप और ये जो कांस्टेंट पार्ट है दिस इज कांस्टेंट बिकॉज इसका x के साथ कोई लेना देना नहीं है दिस इज ऑटोनोमस ऑटोनोमस और ये जो है ये आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट है वर्टिकल इंटरसेप्ट अब इसको जो चीज हमें पता है उससे मैच करते हैं राइट वो चीज क्या है आप सभी को पता है कि सी इज इक्वल टू सी बारी वाई यह है सबको पता है कंजम्पन टू ऑटोनोमस कंजम्शन प्लस सी वाई सी का मतलब एम पी सी तो ये सी जो है ये क्या मतलब है इसका स्लोप और ये क्या है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या है वर्टिकल इंटरसेप्ट राइट अब वर्टिकल इंटरसेप्ट समझ में आ गया अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऐसे तो ये वाला पार्ट जो है ये है सी 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 पार्ट ये ये वाला जो पार्ट है स्मॉल और यहां पे हो गया c, यहां हो गया गया वाई तक कहानी सबको क्लियर होगी इसमें कोई डाउट नहीं है राइट right, अब हमें ये पढ़ना होता है लेकिन इसको नहीं पढ़ पाते क्योंकि टाइम कम है कॉस्ट ज्यादा है मैन पावर कम है तो हम पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं इसको वैसे हमें पढ़ना चाहिए चौदह घंटे लेकिन टाइम कम है बाकी सब चीज़ें भी करनी है कॉलेज भी जाना है वगैरह वगैरह है इसीलिए हम क्या करते हैं हम पेपर से कुछ टाइम पहले पढ़ते हैं अगर पेपर से पहले कुछ टाइम पहले पढ़ के हमारा जे क्रैक हो जाए तो इसका मतलब क्या है वी आर एफिशेंट वी आर एफिशेंट वी हैव यू नो जो लोग पूरे साल पढ़ के कर रहे हैं हमने पेपर से कुछ टाइम पहले पढ़ के कर लिया सो वी आर राइट वही पॉइंट है यहाँ पे सो so, हमें पढ़ना चाहिए था ये हम चौदह घंटे नहीं पढ़ पाए पेपर से पहले कुछ घंटे पढ़ रहे हैं और हमारा कोशिश है कि भाई जो हमारे नंबर्स हैं पेपर से पहले पढ़ के वो हमारे एकदम जो पहले हम पूरे पूरे घंटे घंटे पढ़ते थे चौदह घंटे पढ़ते थे वैसे नंबर आ जाए सो दीज आर कॉल्ड एज एस्टिमेटर्स अल्फा हैट बीटा हैट, जिसके ऊपर भी टोपी रहेगी, वो है और जिसके ऊपर भी नहीं है वो है एस्टीमेट्स। तो सैंपल को पढ़ के सैंपल के एस्टिमेटर्स को पढ़ के या सैंपल के एस्टिमेटर्स को निकाल के स्टैटिस्टिक निकाल के हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स से कंपेयर करते हैं अब मैंने यहां पे दो वर्ड्स यूज किए हैं अब वो सुन लीजिए क्या है पहला वर्ड मैंने यूज किया है स्टैटिस्टिक और मैंने यहां पे एस नहीं लगाया ये है स्टैटिस्टिक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहा ये स्टैटिस्टिक है और दूसरी चीज जो है वो है पैरामीटर तो पैरामीटर का मतलब क्या है जो पॉपुलेशन के फीचर्स है पॉपुलेशन के फीचर्स क्या है एल्फा एंड बीटा उसको लिख दीजिए यहां पर और स्टैटिस्टिक क्या है जो सैंपल का फीचर है राइट सैंपल का जो फीचर है वो क्या है वो है अल्फा हैट एंड बीटा हैट कोशिश क्या है पॉपुलेशन को पढ़ना चाहिए था पढ़ नहीं पाए सैंपल को पढ़ रहे हैं उससे पढ़ के क्या करेंगे अल्फा हेट बीटा हेड निकालेंगे इसके बाद क्या करेंगे हमें अप्रॉक्सिमेशन करना है हमारा सैंपल इतना सटीक हो कि अल्फा हेट एंड बीटा हेड अल्फा और बीटा के बराबर आ जाए अगर बराबर आ जाए क्लोजेस्ट आ जाए तो हम बोलेंगे भाई एफिशियंट है मिनिमम वेरियंस है कम से कम दोनों के बीच में दूरी है कम से कम दोनों के बीच में गैप है और इसीलिए हम जो सबसे अच्छा वाला है उसको हम बोलते हैं ब्लू बेस्ट लीनियर

और यह है बीटा राइट right. ये है मेरे एस्टिमेटर्स अल्फा हैट एंड बीटा हैट कैसे निकलेंगे सो so ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट अल्फा हैट एंड बीटा हैट अब देखिए ये क्या है ये है वाई बार वाई बार का मतलब वाई का मीन बीटा राइट उसके बाद एक्स बार एक्स बार एक्स बार का मतलब एक्स का मीन और यहां पे जो है ये बीटा हैट है बीटा है एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन दिस और इसको मैं छोटे में ले सकता हूं एक्स बार मतलब और स्मॉल वाई का मतलब है यहां पे हैट आएगा सॉरी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार अब कुछ स्टूडेंट को दिमाग में लग रहा है कि सर ये समझ नहीं आया ये कैसे करना है ऐसा कोई है तो प्लीज मुझे बताइएगा ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया कि सर ये कैसे किया वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स देख रहा हूं अगर किसी का प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना आई एम वेटिंग स्टिल वेटिंग नहीं सही बात मतलब तो प्रॉब्लम कहां पे है ज प्रॉब्लम <coughs> किसी को समझ में नहीं आया ये कैसे करना है तो मुझे पूछ लीजिए ओके okay. <coughs> मैं यहां पे एक हिंट देता हूं ओके okay. <coughs> ये आशा करता हूं दिख रहा होगा नहीं कलर कैसे चेंज करेंगे Wait, I'm help, I'm trying to help myself. इसका मैं कलर चेंज कर, ये कलर दिख रहा है आप सभी को नहीं दिखेगा ना दिख रहा है yes no? ये सनो? ये कलर दिखेगा सभी को देखिए अगर इसमें मैं I'm trying to write with blue. दिख रहा है ऑल विजिबल I'm waiting. आपके, आपके comments आएंगे तो नहीं थोड़ा कम दिख रहा है इसमें मेरे पास option नहीं है इसमें यार. I'm still struggling to come up with the black color board. Is it fine now? Black color की कोशिश कर रहा था दोस्त मैं बिल नहीं रहा मुझे black color चलिए मैं इसमें लिख के दिखाता हूं आपको थोड़ा सा इट्स विजिबल और नॉट चलिए यहां से देखने के शुरू करते हैं कोशिश करते हैं इसको करने की बिकॉज छोटा सा ही फॉर्मूला है मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा ये एक्स है अब ये है मान लीजिए फाइव फोर थ्री टू वन और यहाँ पे वाई लिया मैंने ये है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब हमारे पास अल्फा हेड की वैल्यू क्या है अल्फा हेड निकलता कैसे है वाई बार माइनस बी हैट एक्स बार राइट और बीटा हैड का फॉर्मूला क्या है इट इज आई वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई पे स्मॉल एक्स का मतलब है स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार एंड स्मॉल वाई का मतलब है वाई माइनस वाई बार अब वाई बार क्या निकलेगा देखो सो so, हम निकालेंगे समेशन एक्स समेन एक्स का मतलब क्या है फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व एंड फिफ्टीन तो एक्स बार कितना हो गया इट इज समे एक्स अपॉन एन एन कितना है पांच तो ये हो गया फिफ्टीन अपॉन फाइव दैट इज थ्री अब मैं यहां पे क्या करूंगा एक्स माइनस एक्स बार करूंगा एक्स बार कितना आया मेरा यह कितना आया ये है थ्री सो फाइव माइनस थ्री इट इज टू फोर माइनस थ्री वन थ्री माइनस थ्री जीरो टू माइनस थ्री माइनस वन वन माइनस थ्री माइनस टू राइट अब देखो क्या बोला है यहाँ पे ये आ गया और इसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल देंगे वाई माइनस वाई बार अब वाई बार जो है देखो समेशन निकालिए इसका समेन वाई निकालिए ये भी आएगा पंद्रह राइट वाई <coughs> बार आ गया फिफ्टीन अपॉन फाइव यह आ गया थ्री सो so, y minus y वाई बार minus 1 minus माइनस थ्री माइनस टू minus माइनस थ्री माइनस वन जीरो अब क्वेश्चन में क्या बोला है xi आई इंटू वाई यानी कि इस वाले को और इस वाले को हमें मल्टीप्लाई करना है राइट right. अब इसको मल्टीप्लाई करके <coughs> जस्ट मिनिट इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटू माइनस टू माइनस फोर वन इंटू माइनस वन जीरो इंटू जीरो वन इंटू माइनस वन टू इंटू माइनस फोर राइट ये आ गया आपके पास तो ये आ गया माइनस टेन समीशन स्मॉल एक्स आई वाई आई इसके बाद एक्स आई ये था इसका स्क्वायर इसको स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर होगा सो so, ये हो जाएगा 4, 1, 0, 1, 4. ये कितना आया ये है समेशन एक्स आई स्क्वेयर यह कितना आया दस राइट तो यहां पे आपका बीटा हेड कितना आया बीटा हेड आ गया समेशन एक्स आई वाई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्र दैट इज टेन माइनस टेन अपॉन टेन इज इक्वल टू माइनस वन ये क्लियर है तो वाई हैट निक, आ, अल्फा हैट निकाल जाएंगे अब अल्फा हैट कैसे होगा अल्फा हैट का मतलब क्या है इट इज वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार तो वाई हैट कितना है वाई बार कितना है इट इज थ्री माइनस बीटा हेट कितना आया माइनस वन और एक्स बार कितना आया थ्री तो इसको करेंगे तो इट इज थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स कितने लोगों को समझ में आ गया क्लियर अगर क्लियर है तो बता दो फिर आगे चलूंगा मैं मुझे पता है ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह नहीं देख रहा होगा सो इफ यू want <coughs> ये आ गया यहां तक कहा क्लियर है सबकी सबका यस नहीं आ रहा मेरे पास कुछ लोग लिख रहे होंगे लेकिन हवा में इवेपोरेट हो रहा है यस yes. ज्यादा एयर क्वालिटी पॉल्यूशन खराब लग रहा है समझा ओके चलिए तो ये है हमारा अल्फ़ा हेड एंड बीटा हेड निकालने का तरीका राइट तो हम यहां पे थे ओके, अब ये कहानी हमारी ऑर्डिनरी ली स्क्वे मेथड तक खत्म हुआ अब मैं आता हूं चाउ टेस्ट पे राइट अब हमें आना है चाउ टेस्ट पे अब देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना इस पूरे शीट को देखना ध्यान से अब यहां पे मैंने क्या लिया है 1975 से लेके 2022 साल के ग्रॉस सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने दोबारा से देखिए ये डेटा है राइट डेटा मैंने क्या लिया है ग्रॉस सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कहां से 1975 से लेके 2022 अब थोड़ा सा दो सेकंड के लिए तीन सेकंड के लिए पांच सेकंड के लिए आप डेटा को एक बार देखिए 1975 में 13.1% पॉइंट वन परसेंट ऑफ जी डी पी वॉज ग्रॉस सेविंग ऑफ इंडिया फिर यहां पे आए 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 36, 37, फिर आते हैं यहां पे हो रहा है ऐसे राइट right, क्या लग रहा है कुछ चेंजेस नोटिस हो रहे हैं कुछ चेंज समझ में आ रहा है क्या लग रहा है यहां पे आप सभी से मैं थोड़ा पूछूंगा अगर आप अगर अभी, अभी अभी लाइव देख रहे हैं तो प्लीज राइट इट डाउन ऑन द चैट आपको क्या लग रहा है यू कैन मेक इट आउट अगर फिर भी समझ नहीं आया अगर मैं इसका एक टेबल बनाता हूं एक चार्ट बनाता हूं ये चार्ट कुछ इस तरह से लगेगा राइट आपको ये फॉलो करना है ये येल्लो लाइन कहां जा रही है ये देखिए ये देखो येल्लो लाइन कहाँ जा रही है राइट right. और यहां पे क्या लिखा है ये ये जो है ना नीचे ये है सेवेंटी फाइव सेवेंटी सेवन सेवेंटी नाइन ए इस तरीके से मैंने यहां पे ईयर लिखा हुआ है तो नीचे जो है दिस इज ईयर और ये जो है ये है परसेंटेज ऑफ जीडीपी यस स्टिल वेटिंग फॉर द कमेंट्स क्या लग रहा है आप सभी को डेटा इज इंक्रीजिंग ओके दो इज डिक्रीज ओके अगर मैं इस डेटा को इस डेटा में से अल्फा हेड एंड बीटा हेड निकालूं, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो उसमें ये भी इंक्लूड होगा तेरह पॉइंट वन भी इंक्लूड होगा ये ट्रेंड जो कंटिन्यू होगा उसी ट्रेंड को बताएगा मुझे जो कि हो सकता है गलत राइट जब भी आप आप, आप समझ लीजिए अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ये मेरा पॉइंट समझ नहीं आया तो आप इसको समझ लीजिए अगर आपको यूजीसी नेट का कट ऑफ पता करना है कि भाई इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा दिसंबर 2023 में आपने पेपर दे दिया और उसके बाद आपको ये लग रहा है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा तो आप किस चीज को कौन से साल के कट ऑफ को एज अ पैरामीटर समझेंगे एज अ प्रॉक्सी समझेंगे एज अ uh, आपके आपके कैलकुलेशन सबसे ज्यादा जाएगा वो दो का 2021 का 2019 का या 2006 का या 2007 का या 2008 का इसका आंसर मुझे चाहिए किसका लेंगे आप फोरकास्ट <coughs> करेंगे ना दिसंबर 2023 के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी तो उसके लिए क्या आप देखेंगे 22 का ज्यादा देखेंगे या फिर 6 का ज्यादा देखेंगे 2006 का यस बेस ईयर तो है नहीं है, तो बेस ईयर की तो बात ही नहीं की मैंने इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच के दीजिएगा स्टिल वेटिंग बेस ईयर कहां से आ रहा है मैंने बेस ईयर की तो बात की नहीं यहां पर यहां ईयर राइट सो 2006 आप कह रहे हैं श्रेया कह रही है 2006 का मैं डेटा देखूंगी और मैं सोचूंगी कि दिसंबर 2023 का कट ऑफ क्या जाएगा इज एट सो 2006 में आपके पास सब्जेक्टिव पेपर होता था लिखने का पेपर होता था एक पेपर आता था उसमें एडिशनल शीट आप नहीं डाल सकते थे उसी पेपर में आंसर लिखना पड़ता था सब्जेक्टिव आंसर छोड़ते जगह छोड़ देते थे राइट right? उस टाइम पे तीन पेपर होते थे आज दिसंबर 2023 में दो पेपर होंगे पेपर वन पेपर टू तो कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है ये बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि यहां पे हम 2022-23 नियरेस्ट ईयर का देखेंगे इसलिए जब मैं फोरकास्टिंग करूंगा तो मुझे 2022 या ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि मैं ये देखूं राइट बट ये डेटा तो है और अगर डेटा कम कर दूंगा तो फिर वो तो वैसे ही निकल जाएगा जो मैंने यहां पे फोरकास्टिंग किया उसमें भी एरर आएगा तो आपको डेटा पीरियड अच्छा खासा लेना पड़ेगा एटलीस्ट थर्टी ईयर्स थर्टी ईयर्स का तो लीजिए थर्टी डेटा पॉइंट तो होना ही चाहिए बट मैं इसको छोड़ नहीं सकता बट इससे जो आंसर आएगा फोरकास्टिंग में वो भी गलत आएगा राइट right. अगर आप समझ रहे हैं तो आपका डेटा आप बोलेगा यहां की तरफ ऊपर की तरफ जाने की तरफ बोलेगा या फिर स्ट्रक्चरल की की ब्रेक right. तो क्या बोला स्ट्रक्चरल ब्रेक अब यहां से बात आती है आगे देखिए अगर इस चीज को मैं ऐसे कुछ करूं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल ब्रेक को पता करने के लिए मैंने क्या किया 1991 से पहले का जो मेरा पीरियड है उसको मैंने प्री लिबरलाइजेशन बोल दिया और पोस्ट लिबरलाइजेशन बोल दिया जो कि 1991 से लेके 2022 तक का है तो ये हो गया मेरा 1975 से लेके 1991 और ये दूसरा पीरियड हो गया मेरा उन्नीस इक्यानवे से लेके 2022 तक का अब ये मेरे पास दो सब मॉडल्स आ गए ये क्या है दे आर बोथ टू सब मॉडल्स टू सब मॉडल्स जो पूरा एक मॉडल था राइट पूरा मॉडल क्या था वाई टी एक्स आई ऐसा करके था था तो वो पूरा मॉडल वहां से मैं इसको दो हिस्से में तोड़ दिया कि दो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए देख रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे इससे यहां पे मैं स्ट्रक्चरल देख रहा हूं तो ये कहानी अगर समझ नहीं आई इसको दोबारा रिपीट करूंगा अब आगे चलते हैं कहानी क्या है कि हमें देखना है वी

और उसके बाद एकाएक ऐसे आ, एक आ गया यानी कि 2022 में यह इस स्लोप में आ गया तो यह इसका इसका मतलब समझ लीजिए एक बार देखिए इसको 1975 से लेके 1991 तक स्लोप नीचे है फ्लैट है और उसके बाद एक ऊपर आ, एक आ गया जब सेंसेक्स बढ़ गया एफ बढ़ गई लिबरलाइजेशन हो गया गवर्नमेंट ने डिसमेंट करना शुरू कर दिया प्राइवेट प्लेयर्स और मार्केट में आने लग गए सारे, सारे के सारे लोगों को इनकम बढ़ने लग गया सैलरी बढ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और सेविंग बढ़ गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है राइट right, ये समझ में आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये देर एग्जिस्ट अ चेंज इन द स्लोप अगर स्लोप में चेंज है, कि रिग्रेशन में कि स्लोप जो है क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं स्लोप जो है वो फ्लैटर है यहां पे जो है वो स्लोप जो है स्टीपर है सो so, अगर ऐसा है तो फिर हमारा जो डेटा है वो गलत आंसर देगा फोरकास्टिंग गलत कर देगा तो इसीलिए हमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को देखना है तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल ब्रेक का मतलब स्ट्रक्चरल ब्रेक का मतलब क्या कहीं पे डेटा में किंक है टूटा हुआ है कहीं पे, स्लोप चेंज हो रहा है या तो इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां से शुरुआत हो और ये यहां से शुरुआत हो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेप्ट चेंज हो जाए तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का या ब्रेक का मतलब है इंटरसेप्ट तो चेंज नहीं हो रहा अल्फा अल्फा चेंज हो गया बीटा बीटा चेंज हो गया तो जो मैंने यहां दिखाया ये हुआ बीटा बीटा चेंज मतलब स्लोप और अल्फा मतलब वर्टिकल इंटरसेप्ट तो ऐसा तो नहीं है कि एक पीरियड का ये है और दूसरे पीरियड का ये है या एक पीरियड का स्लोप ऐसा है दूसरे पीरियड का स्लोप ऐसा है सो so, यहां पर जो मैंने वर्ड यूज किया उसको मैं लिख देता हूं एक बार रुकी वेट

या बीटा वन एंड बीटा टू डिफरेंट होंगे या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है स्लोप इज आल्सो चेंज्ड डिफरेंस इन स्लोप प्लस डिफरेंस इन इंटरसेप्ट इट कैन बी बोथ सो या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सो दोनों चीजों की वजह से हो सकता है या तो स्लोप चेंज हो जाएगा या तो इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा या तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट दोनों चेंज हो जाएगा सो so, अगर ये हो रहा है इसका मतलब है स्ट्रक्चरल ब्रेक है स्ट्रक्चरल ब्रेक है मतलब आपकी फोरकास्टिंग गलत हो जाएगी और फोरकास्टिंग गलत हो जाएगी यानी कि आपका पूरा रिसर्च गलत हो जाएगा इस चीज से बचने के लिए क्या डेटा में स्ट्रक्चरल ब्रेक है या नहीं है इसको पता करने के लिए आप चाओ टेस्ट का यूज करते हैं कहानी पूरी क्लियर होगी मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ दिस वीडियो आपको स्ट्रक्चरल ब्रेक देखना है आपको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ढूंढनी है अगर ब्रेक है अगर डेटा में किंक है किंग का मतलब या तो स्लोप चेंज हो रहा है सब पीरियड्स में या तो इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है सब पीरियड्स में या तो इंटरसेप्ट एंड स्लोप दोनों चेंज हो रहा है दोनों सब पीरियड्स में इसका मतलब है कि डेटा में स्ट्रक्चरल ब्रेक है स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी है इनस्टेबिलिटी है अगर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है तो कोई टेंशन नहीं है हमारा डेटा परफेक्ट है ये ट्रेंड एनालिसिस है ऊपर की तरफ जा रहा है कब जब स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है अगर नहीं है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या है स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब है break है। break मतलब kink है। कि ब्रेक ब्रेक मतलब मतलब आप पूरे डेटा में एक साथ फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं क्लियर कितने लोगों को पहली बार में समझ में आ गया जस्ट पुट वन ऑन द स्क्रीन लिखिए जरा वन ऑन द स्क्रीन मैं देखना चाहता हूं बिकॉज दैट विल एक्ट एज ए मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी स्टिल वेटिंग 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 स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी का मतलब है प्रणय स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि स्ट्रक्चरल ब्रेक है ब्रेक का मतलब है स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों चेंज हो सकता है तो डेटा इज नॉट गुड फॉर फोरकास्टिंग इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे है ब्रेक क्योंकि अगर आपने बोला कि यार 2005 से लेकर 2022 तक यूजीसी नेट का कट ऑफ कभी 56 भी गया है कभी 57 भी गया है कभी 49 भी गया है तो आप यह नहीं बोल सकते कि इस बार का जो कंस पेपर है उसमें 49 जा सकता है राइट दैट इज वॉट पॉइंट ओके बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच दिस इज रियली मोटिवेशनल फॉर मी पूरा पूरा चैट बॉक्स भर गया वन से जिनको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया एक बार दोबारा से देख लेना ये क्लियर हो जाएगा ज्यादा मुश्किल नहीं है राइट right? सो so, ये देखिए ये पीरियड टू है पीरियड टू मतलब 1999 से लेके सॉरी 1991 से लेके वन से लेके 2022 तक राइट ये डेटा है मेरा यहां पे मैंने वाई टी ले रखा है अल्फा वन अल्फा टू इस तरह ले रखा है टी पीरियड जो है मेरा ये है तो दो सब मॉडल्स कर लिए और कुछ कहने का मतलब नहीं है वी हैव टू सब मॉडल्स फॉर दिस ओके चलिए आगे चलते हैं अब इसका एजम्पन क्या है एजम्पन ऑफ रनिंग अ चाउ टेस्ट ये देखिए ये क्या है एरर So, इसको अगर नहीं दिख रहा वहां से तो मैं लिख देता हूं इसको ई वन टी ई वन टी यानी कि पहले एरर जो है वो सब मॉडल का जो पहला एरर है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है ये रैंडमनेस है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ये इसका मतलब क्या है

follows normal distribution देखिए ये मैथमेटिकल नोटेशन है इसलिए मैं आपको इसका हिंदी में और इंग्लिश में अनुवाद करके बता रहा हूं कि इसको बोलेंगे कैसे सरल भाषा में कैसे बोलेंगे एरर और एरर 1t ऑफ मॉडल 1 सब पीरियड 1 फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा काम खत्म हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब हम बाकी सब टेस्ट लगा सकते हैं z t का आइए लगा सकते हैं राइट right? f भी लगा सकते हैं और दूसरा वाला भी यही है कि एरर 2 ऑफ सब मॉडल पीरियड 2

पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड पॉइंट समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूँ सो so, 1975 से लेके 1991 के बीच में जो फैक्टर्स जो कारक सेविंग को इफेक्ट कर रहे थे उनका 1991 से लेके 2022 में के बीच में सेविंग से कोई लेना देना नहीं है इसके फैक्टर्स से कोई लेना देना नहीं है यही इसका मतलब है राइट right, इसका मतलब यही है चलिए ये आगे कर लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है अब आगे चलेंगे अब देखिए एक एक करके हम स्टेप्स करेंगे ठीक है और इस स्टेप्स के बाद फिर मैं एग्जाम्पल लूंगा फिर समझाऊंगा सो so, आप स्टेप्स को देखिए पहले स्टेप्स से आप रूबरू हो जाइए कि हाँ ऐसे नाम की कोई चिड़िया है स्टेप्स कैसे करना है इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे इन स्टेप्स को दोबारा एग्जाम्पल में लेके हम काम करेंगे ठीक है so, सो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई एक डेटा में स्ट्रक्चरल ब्रेक है या नहीं है राइट सो क्वेश्चन क्या है हमारा डेटा <coughs> <Data> में वेदर 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 देयर एग्जिस्ट एनी स्ट्रक्चरल ब्रेक और स्ट्रक्चरल instability in a data ये आपको ढूंढना है ठीक है अगर ये नहीं है तो सिंपल हमने ओएल से काम किया हमने एल्फाबीटा निकाला काम हमारा हो गया दोबारा सुन लीजिए अगर if no if no no मतलब no structural instability no structural instability इसका मतलब क्या हुआ देन यस स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यानी कि कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं है नो स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी मतलब उल्टा यानी कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है मतलब क्या हुआ कि डेटा आप ओ से अल्फा हैट एंड बीटा हैट निकालिए जैसे पहले बताया था और आप प्रोडिक्टिंग कर दीजिए आप फोरकास्टिंग कर दीजिए लेकिन अगर क्वेश्चन में है ये आ गया तब आप ओ से काम नहीं कर सकते हैं तब आपको अल्फा हेड बीटा हेड अलग अलग निकालना पड़ेगा ये है कहानी आप जैसे जैसे और आगे जाएंगे आपको क्लैरिटी मिलता रहेगा अगस्त फिगर में अगर डेटा में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है डायरेक्टली ओ डाल दीजिए अल्फा हेड बीटा हेड निकाल दीजिए जैसे मैंने आपको बताया अगर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है तो ये कर सकते हैं अगर नहीं है यानी यानी कि कि स्ट्रक्चरल है, डेटा में किंक है यानी कि डेटा स्ट्रक्चरल ब्रेक है तो ब्रेक का मतलब है आप जो फोरकास्टिंग करेंगे वो आपका सही नहीं होगा राइट right? पॉइंट समझ में आ गया ओके okay. सो so, सबसे पहले हमने क्या किया वी हैव टू कंबाइन द टू पीरियड्स एन वन एन टू अब एन वन क्या है हमारे वाले केस में वो है 1975 से लेके एंड एन टू क्या है वह नाइनटीन नाइनटी वन से लेके दो हजार बाईस तो यहां से काउंट कर लीजिए कितना हो गया सेवेंटी फाइव से लेके नाइनटी वन हो गया मेरे ख्याल से तकरीबन कुछ सोलह साल राइट ये सोलह साल हो गया और ये हो गया नाइन्टी वन से लेके दो हजार बाईस यानी कि ये कुछ हो गया आपका इक्कीस साल नहीं इकतीस साल राइट थर्टी वन हो गया यहाँ पे तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे ये है आपका एन वन ये है आपका एन टू दोनों को कंबाइन करेंगे कंबाइनिंग ऑल

एन वन इज द नंबर ऑफ पहले वाले में कितना है जो हमारे वाले में सोलह हो गया यहाँ पे हो गया थर्टी वन माइनस पैरामीटर हमारे पास कितने हैं दो पैरामीटर हैं तो ये हो जाएगा थर्टी डिग्री फ्रीडम ये कैसे आया एन वन का मतलब सोलह एन टू का मतलब थर्टी वन और के कितना है मेरे पास दो है राइट एंड बीटा राइट दो पैरामीटर हो गए हमारे हो गए दो तो ये थर्टी का हो गया राइट तो so, सबसे पहले हमने क्या किया कंबाइंड पे काम किया पॉइंट समझ लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया कंबाइंड पे काम किया इसको नोट कर लो आगे चलते हैं कंबाइंड no, uh, पे काम करने के बाद अब सब मॉडल वन लेंगे सब मॉडल टू लेंगे सब सब मॉडल मॉडल एंड का मतलब क्या है भाई आपको सिंपल अल्फा वन बीटा हैड वन अल्फा हैड टू एंड बीटा हैड टू निकालना है यही है काम इसमें राइट right? सो so पहले आपने कंबाइंड डेटा का अल्फा हैड एंड बीटा हैड निकाला फिर स्टेप टू में आपने क्या किया अल्फा हैड वन अल्फा अल्फा हेड टू बीटा हेड वन बीटा हेड टू निकाला और इसको हमने क्या बोला इंडिविजुअली मतलब कैसे करेंगे एक ब्लू स्क्रीन जो बताई थी इसका मतलब क्या है वो ब्ल्यू स्क्रीन क्वेश्चन जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ब्लू स्क्रीन में वो है आपका ओयलेस एस्टिमेटर एंड ऑप्टेन देयर ई एस एस इसको हम नाम देंगे ई एस एस वन ई एस एस टू और इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा एन वन माइनस के एन टू माइनस के राइट अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से स्टेप वन है पूरे डेटा का आपने अल्फा हेड एंड बीटा हेड निकाला कंबाइन करके दोनों टाइम पीरियड को कंबाइन करके दूसरा केस क्या किया दूसरा स्टेप क्या किया आपने अलग अलग सब मॉडल्स को निकाले तो यहाँ और उसका एल्फा हेट एंड बीटा हेड निकाला तक आपने तीन बार OLS कर लिया

हमने उसको बोला ई एस एस आर राइट उसको हमने बोला ई एस एस आर राइट और दूसरे बार हमने एक बार निकाला 1975 से लेके 1991 के लिए हमने ई एस आर निकाला ये है हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड और दूसरा वाला निकाला हमने 1991 से लेके 2022 का इसको हमने बोला ई एस एस टू ये वन राइट ओके यहाँ पे आप इसको लीजिए यहां पे इसको टू लीजिए राइट आगे चलेंगे अब थर्ड केस क्या है एट दीज़ टू रेसिडुअल क्या ई एस एस वन प्लस ई एस एस टू राइट एंड इसको हमने बोला ई एस एस राइट विद इसको छोड़ दो अभी और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट ई एस एस आर माइनस ई एस एस यू आर यहां पर हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स का हाथ छूट रहा होगा कि सर ये वाला समझ नहीं आ रहा देखिए दोबारा समझ लो स्टेप वन में कंबाइंड किया क्या निकला उससे ई एस एस राइट ई एस एस निकल गया ई एस एस आर निकल गया हमारा इसको मैं एक अलग से शीट में लिख देता हूं यहां पर बता देता हूँ स्टेप वन व्हाट वी डिड हमने कंबाइंड का कंबाइंड को एस्टिमेट किया यहाँ से हमने ई एस एस आर निकाला इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव इसके बाद स्टेप टू में गए सब मॉडल वन सब मॉडल टू इसका हमने ई एस एस आर वन इसका हमने ई एस एस आर टू निकाला फिर दोनों को ऐड किया और हमने बोला ई एस एस आर अनिस्ट्रिक्टेड स्टेप थ्री क्या किया ई एस एस आर आर माइनस ई एस एस आर यू आर इन दोनों को जो ये आया इसको और ये आया इसको माइनस किया अभी तक क्लियर हुआ ये चीज इन दोनों को माइनस कर दिया राइट right? अब देखते हैं आगे ये देखिए राइट सो ई एस एस आर ये कहां से आया था स्टेप वन से माइनस ई एस एस यू आर ये कहां से आया था स्टेप टू से

राइट उससे पहले देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है एन माइनस वन एन माइनस टू के एन टू माइनस के और इससे पहले कितना था स्टेप से निकला था डिवाइड ये ई एस एस आर माइनस ई एस एस आर यू आर राइट और लास्ट में अगर इसकी वैल्यू द वैल्यू ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स इफ दिस कंप्यूटेड वैल्यू ज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल वैल्यू देन वी से रिजेक्ट हाइपोथिस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यानी कि देयर एग्जिस्ट स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी ये है चाउटेस्ट देयर एग्जिस्ट स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी यह फॉर्मूला बहुत बार आया है

Uh, calculation uh, scale. I am teaching the econometrics part, and what you are uh, writing on the <coughs> on the chat box is basically class fourth mathematics. So sixteen plus thirty two minus two can be forty five or something else. I am not getting into that, but I hope that you understood the what is the basic uh, <coughs> typicality here. If you learn the steps, that is more than sufficient. We can all do the calculation of sixteen plus thirty one minus two.

Uh, उसके हिसाब से फिर आपसे पहले टाइम सीरीज का पूछा गया है कि स्टेप्स क्या है टाइम सीरीज डेटा को रन करने के स्टेप्स क्या हैं या कोई इंटिगेशन अप्रोच निकालने का स्टेप्स क्या है या फिर uh, इनडायरेक्टली स्क्वायर का स्टेप्स क्या है तो कभी ऐसा भी आ सकता है कि आपसे ये पूछ लें कि भाई चाओ टेस्ट या डमी टेस्ट चाओ टेस्ट को स्ट्रक्चरल ब्रेक से कैसे आप देखते हैं दैट्स इट राइट आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर Uh, नितेश, आई आई वुड लाइक टू डू दैट बट आई थिंक ई व्यूज़ में या एस पी एस एस में या पाइथन में प्रैक्टिस करके दिस इज़ नॉट यू नॉट द सिलेबस ऑफ यू जी सी नेट राइट बाकी तो ई e व्यूज़ हो या स्टेटा हो सैस हो एस पी एस एस हो पाइथन हो मशीन लर्निंग हो इन सब में तो हम लोग जो है वो डेटा से कर लेते हैं मशीन हम लोग बेसिकली मशीन से करते हैं बट पेपर में जब आएगा तो वो आपसे ये पूछेंगे कि ये कैसे करते हैं राइट right? तो इसलिए मैंने ये करवाया है ओके नाउ दिस इज एग्जांपल हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे करना होता है आप देखिए मैंने यहाँ पे दो पीरियड ले रखे हैं राइट आई बिलीव ऑल ऑफ यू कैन सी दिस पार्ट नाइनटीन फोर्टी और ये है पीरियड टू फिफ्टी से लेकर सिक्सटी राइट सो दिज आर द डेटा ऑफ सेविंग एंड इनकम सेविंग एंड इनकम सो ये साल दे रखा है यहाँ पे राइट दिस इज द ईयर अब यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए व्हाट इज द एन वन एन वन इज इक्वल टू नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एन टू कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो इज राइट सो हमने क्या किया स्टेप वन स्टेप वन हमने क्या किया दिस इज वॉट वी आर डूइंग इज अब जो हम ये कर रहे हैं सबसे पहले कंबाइंड का निकाल रहे हैं कंबाइंड का मतलब क्या हुआ कंबाइंड इंप्लाइज 1946 फोर्टी सिक्स से लेकर 1963 तक कंबाइंड पूरे मॉडल का निकाला हमने अब ये देखिए वाई हैट आ गया ये क्या है वॉट इज दिस दिस इज योर कंबाइंड एल्फा हैट दिस इज योर कंबाइंड बीटा हैट ये निकलेगा कैसे जो ब्लू स्क्रीन में बताया था वैसे करके निकलेगा ये राइट right? ये कैसे निकलेगा जो ब्लू स्क्रीन में जैसे बताया था ना कि अल्फा हैट बीटा हैट कैसे निकलेगा ये वहां से आएगा राइट ई एस ये आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 आ गया राइट right, आप सिक्सटीन देख सकते हैं कैसे आया राइट right. <coughs> क्यों आया? पैरामीटर 18. 18 है इंक्लूडिंग राइट एटीन माइनस टू इज सिक्सटीन तो ये आ गया अब आते हैं स्टेप टू में कंबाइंड निकाल दिया हमारा ई एस एस आर वन निकल गया यहाँ से दैट इज एर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सेवन टू अब नेक्स्ट स्टेप टू नाउ अब एक पीरियड का लेंगे पहले वाले का लिया सब मॉडल वन इसको भी हमने सिर्फ इतना सा डेटा लिया अब इतने से डेटा में हमने अल्फा हैट बीटा हैट निकाला राइट अल्फा वन हैट बीटा हैट वन हैड निकाला ये देखिए ये आ गया दिस इज अल्फा वन हैट दिस इज बीटा वन हैट इसका ई एस एस वन आ गया जीरो पॉइंट वन थ्री नाइन सिक्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम सात आ गया वाई सात बिकॉज फ्रीडम कितना है यहाँ पे एन वन एन वन माइनस टू के सॉरी यस एन वन माइनस टू माइनस टू क्यों हुआ बिकॉज दो पैरामीटर हैं एक अल्फा हैट एक बीटा हैट तो ये करके हमारे पास नाइन माइनस टू आ गया सेवन हमारा ई एस एस वन आ गया है अब नेक्स्ट स्टेप

स्टेप थ्री ई एस इज इक्वल टू ईएसएस एस वन प्लस ईएसएस एस टू इट इज 0.1396 प्लस 0.13 दिस वन नाउ वी कैन ऐड इट राइट सो यू विल गेट सम नंबर है यू कैन ऐड दिस पार्ट और ये जो नंबर आएगा दिस इज माय ई एस ऑल ऑफ यू कैन डू दिस एंड लेट मी नो व्हाट शुड आई फिल है राइट right, आप इसको करके मुझे बता सकते हैं कि कितना मैं डालू यहां पे नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द स्टेप फोर एंड दैट इज वॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस इज ई एस एस आर माइनस ई एस एस यू आर अपॉन के अपॉन ई एस एस यू आर अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस टू के राइट ई एस एस आर कितना है हमारा दिस वन सो इट इज जीरो पॉइंट फाइव सेवन टू टू माइनस ये सर सर यू वन कितना है हाउ मच इट इज हाउ मच इट इज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द एडिशन किसी ने किया ही नहीं अभी तक ओ माय गॉड नोबडी डिड दैट सब सोचो कि मैं करूंगा फिर उसके बाद आप लोग बोलोगे कि सर ये आएगा वो आएगा हाँ थैंक यू सो दैट इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री टू सेवन ओके सो इट इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री टू सेवन ठीक है अपॉन के के कितना है यहाँ पे वू राइट अपॉन ई एस एस आर यू आर ई एस एस आर यू आर आपने निकाला ये दैट इज जीरो पॉइंट थ्री टू टू सेवन अपॉन एन वन नाइन एन टू नाइन टू के तो यहां पर आ जाएगा सिक्सटीन एटीन एटीन माइनस टू के इज टू सो दिसन माइनस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट यू कैन फाइंड आउट दंसर अब यह जो भी मेरा पास एफ स्टेटिस्टिक्स आया जो भी मेरे पास एफ वैल्यू आई अब इसको मैं कंप्यूट करूंगा विद द टेबल वैल्यू एंड इफ द टेबल वैल्यू इज ग्रेटर इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर इफ एफ कंप्यूटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ स्टैटिस्टिक्स देन वी रिजेक्ट द हाइपोथिस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यानी कि वहां पे स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी है स्ट्रक्चरल ब्रेक है राइट दिस इज वॉट वी प्रूवड है आप देख सकते हैं दैट मीन जस्ट शो यू ये देखिए So, यहां पे जो हमने एफ स्टैटिस की वैल्यू निकाली अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है सो वी रिजेक्ट द हाइपोथिस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हेंस देर इज अ स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी प्रेजेंट इन द डेटा ये है पूरा चाओ टेस्ट करने का तरीका राइट right? ये तरीका बदल गया आपको कंबाइंड निकालेंगे ई एस निकल गया उससे फिर ई एस एस प्लस ई एस एस आर टू इक्वल टू ईस यू आर फिर वहां से हमने स्टेप थ्री में गए माइनस टू के फॉर्मूला निकल गया अगर ये वैल्यू ज्यादा है से, तो डन इन अबाउट द स्ट्रक्चरल पार्ट आप देख सकते हैं यहां पे आई हैटीन so 14, 14 कैसे आया एन वन प्लस एन टू माइनस टू के वट वॉज एन एन वन नाइन प्लस एन टू नाइन माइनस टू के कितना आया यहाँ पेट एंड दो पैरामीटर सो यह आ गया फोर्टीन यहाँ पे और के कितना था वहां पर के था टू राइट सो यह आ गया ऊपर का सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी दिस राइट फाइव पॉइंट जीरो फोर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इफ स्टैटिस्टिक्स विथ दिस पार्ट समथिंग अराउंड थ्री के करीब है आई एम नॉट वेरी श्योर बट थ्री के करीब है राइट सो थ्री फाइव पॉइंट फोर फाइव पॉइंट जीरो फोर इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन थ्री हेंस स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी इज प्रेजेंट ये है पूरा चाउटेस्ट डन क्लियर क्लियर नॉट क्लियर स्टिल वेटिंग वेटिंग फॉर द आंसर्स की आया कि नहीं आया एटलीस्ट कुछ ना से कुछ तो समझ में आया एक से दो बार वीडियो देखेंगे तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हमने क्या किया इसके लिए नहीं देंगे आपको स्टेप्स पता होना चाहिए आपको स्टेप्स पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकली है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगता है जब आप चाओ टेस्ट करते हैं इट फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन राइट एरर्स जो है दे फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही z निकला है t निकला है का निकला है f निकला है तो इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप सब तरह के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं राइट दिस इज द ओनली पॉइंट तो याद क्या, क्या क्या करना है जिनको अभी भी इस इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक का आउटकम समझ नहीं आया ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि भाई चाउ टेस्ट कहां लगता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल ब्रेक का मतलब क्या है अगर स्ट्रक्चरल ब्रेक है तो वहां पे क्या करेंगे अगर स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं है यानी कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है तो आप उसमें पूरा ओएल डाल दीजिए और आपका जो अल्फा हेटर बीटा हेडर आएगा वो आपको गुड है लेकिन अगर स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी है ब्रेक है किंक डेटा है तो आपको अलग अलग टाइम पीरियड करके ही करना चाहिए दैट्स द ऑल थिंग इज कॉल्ड अबाउट चाउ टेस्ट नाउ चाउ टेस्ट का एक ऑल्टरनेटिव भी है जिसको हम कहते हैं बायपेरॉन टेस्ट <coughs> पेरॉन टेस्ट राइट ये भी बहुत हद तक वैसा ही चलता है तो पेरॉन टेस्ट का जो है ये ऑल्टरनेटिव है देखो चाओ टेस्ट में एक्चुअली क्या है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक बार कंबाइंड को निकालो पहले फिर ए, सब मॉडल वन को निकालो फिर सब मॉडल टू को निकालो फिर दोनों का ई को ऐड करो फिर माइनस करो ये बहुत लंबा प्रोसेस है इससे सस्ता सस्ता और टाइम लेस राइट लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है वो है बाइपेर टेस्ट और बाइपेर टेस्ट से भी कम टाइम लगता है डमी वेरिएबल में राइट क्योंकि डमी वेरिएबल जब मैं आगे बताऊंगा तो डमी वेरिएबल में सिर्फ एक बार रिग्रेशन करने से ही हो जाता है राइट तो कहानी जो थी अभी तक की वो ये था देखो फिर भी कई स्टूडेंट कहेंगे सर समझ नहीं आया मैं उनका एक बार वो एक ग्राफ बनाया था उस ग्राफ से समझाता हूँ चाओ टेस्ट जब आपने किया तो आपने किया ये निकाला इसको निकाला इसका आर स्क्वायर निकाला ई एस एस निकाला फिर आपने इसका निकाला राइट इसको मैं अलग कलर से करता हूं रुको फिर आपने सब मॉडल वन का किया यह है सब मॉडल वन ये है सब मॉडल टू फिर आपने क्या किया आपने कंबाइन करवाया आपने कंबाइन करके देखा अरे ये तो डेटा ऐसा दिख रहा है होना चाहिए ऐसा दिस इज वॉट होना चाहिए और ये जब आप निकाल रहे हैं तो दिस इज वॉट इज तो ये हो गया प्रॉब्लम तो इसीलिए आपने स्ट्रक्चरल टेस्ट चेक करके दिया इसमें अब यहां से इससे इससे टाइम कम लगने वाला है वो है पेरॉन टेस्ट बायपेर टेस्ट से भी सस्ता टाइम लगता है वो है डमी वेरिएबल वेरिएबल में राइट सो डमी कैन बी एज स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल टेस्ट टेस्ट ये पॉइंट याद रखना तो टेस्ट देखने के चाओ टेस्ट में बहुत मेहनत लगी पड़ी देखो आप देखो कितना मेहनत लगा अभी तक कितना हमने काम किया फिर बायपेर टेस्ट आप लगा सकते हैं उसमें कम लगेगा और डमी वेरिएबल में तो बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि उसमें एक बार ही करना होगा आपको ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं इसमें सो बाय पेरोन टेस्ट नेम आफ्टर द इकोनॉमिस्ट जूसन बाय एंड पेरी पेरे पेरोन राइट इज अ स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द मल्टीपल स्ट्रक्चरल ब्रेक मल्टीपल स्ट्रक्चरल ब्रेक अब इसी कहानी को मैं थोड़ा सा अगर हिलाऊं लेट्स सपोज इन दिस वे देखिए ये देखो ये सब ना इकोनॉमिक्स में बहुत रियल लाइफ चीजें हैं यह है नाइनटीन डेटा सेविंग कैसे जा रहा था ये आया 1991 डेटा शार्प मूव करना शुरू कर दिया फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस डिजिटलाइजेशन ये सब हो गया उसके बाद ये हो गया 2016-17 सोलह ये आपके पास आ गया डीमोनेटाइजेशन का तो यहां पे फ्लैट आ गया समझ रहे हो ये आ गया फ्लैट ये स्लोप चेंज हो गया देखो राइट स्लोप चेंज हो गया या ऐसे भी हो सकता है कि इसका स्लोप यहां से ना होके हो गया डी मोनिटाइजेशन ये हो गया 1991 एलपीजी पॉलिसी ऐसा हो गया यहां पे इंटरसेप्ट भी चेंज हो गया स्लोप भी चेंज हो गया राइट right, इसके बाद मान लीजिए <coughs> फिर आ गया कोविड पेंडेमिक और नीचे चला गया सो so, कितने सारे ब्रेक्स आ गए ये देखो

इजेशन हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया ग्लोबल डॉट कॉम क्राइसिस हो गया बबल बस्ट हो गया वैसे राइट सो बाइपरा टेस्ट इज अ पर्टिकुलर यूजफुल द नंबर और लोकेशन ब्रेक्स आर आपको पता ही नहीं है है कि 1991 में हुआ या ये हुआ या कब इसका नल यूजफुलिस देखिए इट एज्यूम दैट देर इज नो स्ट्रक्चरल ब्रेक दिस इज सेम सेम एज चाओ टेस्ट तो चाओ टेस्ट बोलता है एज एच नॉट लेता है नो स्ट्रक्चरल ब्रेक यानी कि यस स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी उसके बाद ये मॉडल ऑर्डर लेता है राइट सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स और के दैट इज टू बी कंसिडर इन द मॉडल इसको हम के बोलते हैं कितने ब्रेक्स हो सकते हैं हमें नहीं पता जर, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि सेविंग वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है बट हकीकत में आप ऐसा नंबर लेके काम कर सकते हैं जिस जिसपे आपको पता भी ना चले कि कितने ब्रेक्स हुए हैं राइट दे माइट बी सम वेरिएबल्स फॉर एक्साम्पल एजुकेशन ब्रेक राइट आप ये देखना चाहते हैं कि एक नॉर्मली कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एजुकेशन करियर में ब्रेक लगा है तो यू डोंट नो अबाउट दैट राइट सो किसी का दस के दसवीं के बाद लग रहा है किसी का बारहवीं के बाद लग रहा है किसी का ग्रेजुएशन के बाद लग रहा है किसी का मास्टर्स के बाद लग रहा है किसी का पी के बाद लग रहा है तो चीजें हैं सो टू बी कंसिडर दिस इज अट क्रिटिकल स्टेप्स एंड द चॉइस ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर्स जजमेंट एंड द वैल्यू जजमेंट और डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज विद द ऑफ द वेरिएबल्स राइट तो so, इसके बाद हमने ये किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द नंबर ऑफ ब्रेक्स या तो जीरो हो सकता है या तो के हो सकता है के मैंने सोचा है कि इट कैन बी द मैक्सिमम नंबर राइट ईच मॉडल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ब्रेक्स इन द टाइम सीरीज और इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया स्टैटिस्टिक्स अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है कल को क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें समझ लेना कि बायपेर ऑन जो है ये काई काईस्कर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है

दिस अ फॉर्मूला हेयर एल जे दिस इज द लाइटलीहुड प्रोबेबिलिटी लाइटलीहुड ऑफ द मॉडल विथ जे ब्रेक्स यहां पर जे है एल जे एल जे मतलब जे ब्रेक्स मैंने कंसिडर किया है और एल जीरो का मतलब है नो ब्रेक्स यानि कि ये मैंने यहाँ पे समेन एल जे का मतलब है कि इसमें जे ब्रेक्स है और जीरो का मतलब है नो ब्रेक्स है यानी जीरो ब्रेक राइट और अगेन वही काम आया ये आपका काई स्क्वेयर टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इफ द काई स्टैटिस्टिक एक सेकेंड काई स्क्वेयर कंप्यूटेड वैल्यू ओहो काई स्क्वेयर कंप्यूटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू तो यहां पे हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस दैट इंप्लाइज नो स्ट्रक्चरल ब्रेक्स इसका मतलब है एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट मींस देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट स्ट्रक्चरल ब्रेक्स डेटा तो so, दोनों के दोनों चीजें एक साथ बता दीज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डी वेरिए आपको सिर्फ बता दूंगा इसके बाद आई विल्यू विध दिस इन क्लास वरी तक जो भी हमने किया है वो सबके सब हमने क्वानिटेटिव वेरिएबल्स uh, पर किया है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का मतलब है दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स राइट जैसे सैलरी uh, <coughs> कितनी है वेट कितना है इनकम uh, uh, कितनी है या ग्रॉस सेविंग कितना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पे आप रिग्रेशन uh, लगा सकते हैं रन कर सकते हैं प्राइस क्वांटिटी आप इस पर रन कर सकते हैं रिग्रेशन लेकिन जब क्वालिटेटिव वेरिएबल है मान के चलिए कि एक क्वेश्चन में देता हूं सपोज देर इज अ मेल एंड देर इज अ फीमेल राइट दोनों बोथ ऑफ देम आर पी एच डी इन इकोनॉमिक्स राइट बोथ ऑफ देम आर पी एच डी इन इकोनॉमिक्स और दोनों के पास साल का एक्सपीरियंस भी सेम है सपोज दोनों के पास फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस है राइट दोनों के पास पांच साल का एक्सपीरियंस है बट स्टिल इवन दो आफ्टर इवन आफ्टर दिस दोनों की सैलरी में फर्क होगा राइट right? ये रियलिटी है हालांकि एपीआई स्कोर के हिसाब से आपकी तो सैलरी अलग अलग हो सकती है लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है क्योंकि ये फीमेल है तो इसकी सैलरी कितने नीचे है या कितनी ऊपर है क्योंकि ये मेल है तो इसकी सैलरी कितनी नीचे है या कितनी ऊपर है राइट right? तो यहां पे जो गुण है उस पर डिपेंड कर रहा है सो तो दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है जो कि हम एक्सप्रेस uh, कर सकते हैं सॉरी uh, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है दोनों का एक्सपीरियंस सेम है दोनों का जो नंबर ऑफ स्कूलिंग है नंबर ऑफ एजुकेशन है ईयर्स है वो भी सेम है मान के चलिए तो यहाँ पे जो सैलरी है जो इनकम है दैट डिपेंड्स अपॉन द जेंडर राइट दैट डिपेंड्स अपॉन द जेंडर सो जेंडर यहाँ पे हो गया हमारे लिए जेंडर दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इफेक्ट करेगा इनकम को

दिस इज क्वानिफाई आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं क्वांटिटी है ये बट जेंडर जो है यू कैन नॉट क्वांटिफाई इस पे लगता है डमी वेरिएबल डमी वेरिएबल का मतलब है आर बाइनरी नंबर यानी कि कि या सो so आप अगर कहेंगे सर और वन सपोज इफ द डमी वेरिएबल इज जीरो मेल और अगर वन है तो इट इज फीमेल आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं इट कैन बी लाइक सो अगर सपोज वन है तो ये हो गया मेल और ये जीरो है तो ये है फीमेल इसमें जीरो एंड वन का मतलब क्या है इट इज जस्ट टू गिव दम बाइनरी नंबर जीरो है तो मेल फीमेल है तो ये अब ये जीरो वन को आप कैसे समझ सकते हैं आपने बहुत बार मैथमेटिक्स में से क्वेश्चंस किए होंगे जहां पे एफ एक्स की वैल्यू जो है वो दो इंटरवल में डिपेंड करती है जैसे कि इस टाइप से मैं देता हूं आपको कुछ इस टाइप से वाई इज इक्वल टू एफ सपोज वाई इज इक्वल टू ऐसा कुछ जो वेरिएबल्स है तो यहाँ पे आप मान लीजिए दिस इज द मेल दिस इज अल और दिसमेल दिस इज अल तो ये डिपेंड करता है कि जेंडर की वजह से इनकम पे कितना फर्क पड़ रहा है राइट दैट इज वॉट द पॉइंट So, उसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने यहां पे लिया है कि क्या वो गाड़ी खरीदेगा या नहीं लेगा क्या एस अब जरूरी नहीं है ना। देखो इस चीज को समझ लीजिए सपोज मेरी इनकम दिस इज माई इनकम माई इनकम इज सपोज टेन थाउजेंड एंड राम की इनकम इज ऑल्सो टेन थाउजेंड राइट बट मेरा यूनिवर्सिटी मेरा कॉलेज एकदम मेरे घर के पास है तो आई नीड नॉट टू बाय अ बाइक बट राम का दूर है बहुत दूर है सो राम विल डेफिनेटली गो फॉर अ बाइक यहाँ पे इनकम पैटर्न नहीं है कि देखो राम की भी इनकम दस हज़ार है अमित की भी इनकम दस हज़ार है बट अमित के पास नो बाइक राम के पास यस yes बाइक तो ये वन हो गया तो ये जो है कि क्या सेम लेवल ऑफ इनकम के होने के बाद क्या एक आदमी गाड़ी लेगा या नहीं लेगा ये डमी वेरिएबल हो गया हो सकता है ना कि अमित अकेला है राम के पास राम की फैमिली है तो बाइक या गाड़ी लेने की जरूरत पड़ी होगी मुझे तो जरूरत नहीं मैं साइकिल से भी चले जाऊंगा राइट मॉडगेज इंटरेस्ट रेट मान लीजिए मेरे मेरे जान बिजने में ऐसा बैंक है जो कि मुझे सस्ते में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा या मेरे अंकल ऐसे हैं जिनके वो बहुत सारा पैसा है वो मुझे फ्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे या पैसा ऐसे ही दे देंगे बट राम को इंटरेस्ट रेट लेके करना पड़ेगा तो इस तरह की चीजें हैं तो ये चीजें जो हैं वो आप क्वालिटेटिव है ये गुणवत्ता चीजें हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं तो इसको रिग्रेस करने के लिए आपको डमी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है ये है पूरी कहानी तो मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है यहां पे सो द क्वालिटेटिव चॉइस मॉडल्स मे बी यूज टू मॉडल एंड एनालाइज सिचुएशन इन विच अ डिसीजन मेकर फेस अ चॉइस अमंग सेट ऑफ मीटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड आई

यार्स अ क्वेश्चन अब आप बोलेंगे कि सर हर किसी वन लैक वाले की सैलरी तो जरूरी नहीं है मान लो जो अकेला है उसको गाड़ी की जरूरत क्या है जिसका ऑफिस उसके घर के बिल्कुल बगल में है उसको गाड़ी की क्या ज़रूरत है या जो वो ऐसी जगह पे रहता है पहाड़ी एरिया में रहता है तो उसके वहाँ पे जो है वो गाड़ी की जरूरत नहीं है या वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ मेट्रो से काम हो जाता है तो वो गाड़ी लेने की जरूरत क्या है सो देर आर सो मेनी पैरामीटर्स जो कि वाई पे यानी कि गाड़ी लेना या नहीं लेना उस पर डिपेंड करता है सो so, ये वाई जो है गाड़ी लेना या नहीं लेना दिस डिपेंड अपॉन ऑल द फैक्टर्स इनकम दैट कैन बी काउंटल काउंटेफाइड मेट्रोपॉलिटन सिटी कहाँ रहता है उस जगह का डेवलपमेंट एरिया कैसा है उस जगह में उसकी फैमिली फैमिली uh, की साइज क्या है तो ये सारी चीजें जो है वो है आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल हम सीखेंगे इसको ठीक है अब यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव शुड बी सेट इज फाइनाइट यहां पे ना मे बी करके कुछ नहीं होता हा या ना हो सकता है मे बी आई डोंट नो आई कैन नॉट से ऐसे वर्ड्स नहीं होते हैं या तो हा या तो ना बाइनरी नंबर सो ये फाइनाइट है आर एक्सक्लूसिव अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा राइट इफ द पर्सन चूज इज वन एंड इन द सेट देन द पर्सन डज नॉट चूज द अदर ऐसा नहीं ना मैंने बोला ना कि मे बी नहीं है या तो हा या तो ना बीच का रास्ता नहीं है कि हाँ मैं गाड़ी लेने की सोच तो रहा हूं लेकिन लेने का मन नहीं है ऐसा वर्ड नहीं चलेगा the set of alternatives, exhaustive, इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है, अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा मतलब हाँ है तो ना नहीं है ना है तो हाँ नहीं है राइट right? ये है तो दो चीज एक नहीं हो सकती मतलब दो तलवार एक मियान में नहीं रह सकती राइट यू के नॉट पो टू शॉर्ट इन सेम कवर दिस इज वन और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है उन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है एग्जॉस्ट मतलब सारा ऑप्शन हो चुका रिस्पॉन्डेंट हाँ right? तो so, so, से पूछा तो आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाया मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं तो ये एग्जॉस्टिव सेट नहीं हुआ क्यों बिकॉज किसी के हो सकते हैं जीरो बच्चे किसी के हो सकते हैं वन किसी के हो सकते हैं दो किसी के हो सकते हैं तीन किसी के हो सकते हैं छः किसी के होते हैं सात हो सकता है ना, हम हमारे दादाजी वादा जी सबके तो छः छः सात सात आठ आठ लोग थे वो सब तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है राइट right? अब मैंने उस दिन किसी करंट अफेयर में पढ़ रहा था कि कोई एक आ, फैमिली है मणिपुर में जहाँ पे उनके फैमिली में तकरीबन 110 लोग हैं तो आप वहां पे क्वेश्चन क्या डिसाइड करोगे तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं so यहां पे लिखते हैं जीरो या तो लेस देन वन लेस देन टू एंड मोर देन टू करके इसको खत्म कर देते हैं मोर देन टू तो भाई ये सारे एक ही ऑप्शन में आ गए तो अगेन बाइनरी नंबर है ये राइट right. <coughs> तो ये है इसके आगे विल डू इन द नेक्स्ट क्लास विल डू इन नेक्स्ट क्लास कि डमी वेरिएबल के और क्या क्या यूसेज हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स क्या हैं पीस मिल मॉडल क्या है हम इसमें और कैसे कैसे इसमें ओ करेंगे या कैसे कैसे हम इसमें रिग्रेशन रन कर सकते हैं इसी के आगे जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे लॉजिट टॉबिट बाजू में ही है राइट तो ये डमी खत्म हुआ डमी खत्म होने के बाद लॉजिट प्रॉबिट है तो जब तक मैं चाओ टेस्ट डमी वेरिएबल नहीं करूंगा तो मैं लॉजिट प्रॉबिट टॉबिट जॉबिट जी 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 लॉबिट उसमें नहीं जा सकता हूं तो ये करते हैं और अब हम कल मिलेंगे सो दिस इज एट एट ओ क्लॉक टमोरो कल मिलेंगे सो विध दिसंक यूज यू फॉर सो मच कोई भी अगर कॉमेंट है तो मुझे जरूर बताना इस uh, वीडियो के नीचे और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करना बिकॉज देखिए एक बात बताता हूँ कि इकोनोमेट्रिक्स को इकोनोमेट्रिक्स की तरह पढ़ाना बहुत सारे लोग करते हैं बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं बहुत uh, क्या कहूँ बहुत ज्ञानी ग् लोग भी करते हैं लेकिन सबसे मजा क्या है कि इकोनॉमेट्रिक्स को आप सिंपल सरल भाषा में सिखाइए कि ताकि कोई भी इंसान जो इकोनॉमिक्स लिटरेट है या जो साइंस स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाए तो इकोनॉमेट्रिक्स क्लियर हो जाएगी और अगर इकोनॉमेट्रिक्स क्लियर होगी तो आपका रिसर्च स्ट्रांग हो जाएगा आपका रिसर्च स्ट्रांग हो गया तो आपका ए बढ़ेगा एच इंडेक्स बढ़ेगा आई आई इंडेक्स बढ़ेगा ये सब होगा एनी anyway, ये बहुत छोटी सी मेहनत की मैंने बट इस मेहनत को मोटिवेट करने के लिए आप जरूर कमेंट्स करना बिकॉज अगर नहीं करोगे तो मैं कहूंगा यार स्टूडेंट ने ज्यादा देखा ही नहीं तो ऐसे वीडियो करके फायदा नहीं है तो वही करते हैं डिमांड सप्लाई नेगेटिव स्लोप अपवर्ड स्लोप वही ज्यादा अच्छा है राइट <coughs> जितना ज्यादा हो सकता है लाइक बाइक कर लेना लाइक तो बहुत कम है आज तो लगता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन हो गया है इसी को हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लेबर देखो सौ तक भी नहीं पहुंचा है बताओ आई एम वेरी नाउ Uh, तुलसी मैंने उसके बारे में बात किया 45 फाइव मिनट्स का वो एक्चुअली देर वॉज सम टेक्निकल हिकअप्स डोंट वरी नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई हैव मैंशन अबाउट दिस हेयर आपको मैं दिखा देता हूँ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस सो या आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट गा आई मैंशन दिस हेयर की आई विल भी कवरिंग दैट इन द यू जी सी नेट जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पार्ट थ्री में करूंगा बिकॉज वेन आई रियलाइज दट देर आज सर्टन फोर फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स का वीडियो कट गया है तो इसने मैंने वहाँ पर लिखा कि आई विल भी डूइंग दैट इन पार्ट थ्री एनीवे anyway, थैंक्स आप लोगों ने बोला तो इसलिए मुझे वो याद था यस इन जून 2023 ट्वेंटी थ्री पार्ट टू सर्टन पोर्शन ऑफ द वीडियो वाज मिसिंग एनीवे डोंट वरी अबाउट दैट इसलिए मैंने पता लिया इस पकड़ लिया इसको मैं आपके बता दूंगा आगे थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस कल जरूर मिलेंगे हम इसके साथ राइट right? ये फोकस रखना टफ होगा पेपर कल जब क्वेश्चन करूंगा तो टफ होगा और चीटिंग अलाउड नहीं है चीटिंग अलाउड नहीं है आप नोट्स बनाते है जरूर रहना कोई भी अलग सा क्वेश्चन मिले उसके नोट्स जरूर बना लेना लेकिन चीटिंग मत करना चलिए थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस लाइक शेयर जरूर करना और कॉमेंट जरूर लिखना थैंक यू